दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लीपवेल के रिसेंटली लॉन्च हुए फोम के बारे में, जिसका नाम है स्लीपवेल प्रो सोफा। इसके अंदर कंपनी ने बेसिकली दो फोम लॉन्च किए हैं, एक का नाम है स्लीपवेल प्रो सोफा और दूसरे का नाम है स्लीपवेल प्रो लेटेक्स प्लस फोम। दो तरीके का फोम कंपनी ने लॉन्च किए हैं, तो दोनों फोम इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका रेट क्या है, वारंटी क्या है और इसके रिव्यूज भी आपको देंगे। तो दोस्तों फोम और फर्निशिंग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपनी ने ये दोनों फोम स्पेशली फर्नीचर कुशनिंग के लिए यानी कि सोफा में यूज करने के लिए ही डेवलप किए हुए फोम है दोनों। तो इसके अंदर जो साइज है वो भी दो साइज ही अवेलेबल है। ऑलमोस्ट अगर साइज देखे तो 72x48 की साइज का ये फोम मिलेगा और दूसरी जो साइज है वो है 72x36। इसके अंदर अगर थिकनेस देखे तो आपको इसके अंदर 15 mm, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 4 इंच और 5 इंच की थिकनेस में ये फोम आपको अवेलेबल रहेगा। स्टोर के अंदर ये आपको मिलेगा इस साइज के अंदर। ये कंपनी ने मैट्रेस के लिए यह फोम को नहीं बनाया है, तो इसके अंदर ज्यादा साइजेस की वैरायटी वगैरह नहीं है। ओनली 2 साइज ही अवेलेबल है, क्योंकि इसको लोग ओनली अपने सोफे में ही यूज करें, ना कि मैट्रेस में यूज करें। दोस्तों आमतौर पे देखें तो पहले का जो टाइम था उसके अंदर लोग आमतौर पे PU फोम ज्यादा सिलेक्ट करते थे। अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर लोग HR फोम ज्यादा सिलेक्ट करते हैं, HR यानी कि बाउंस बैक वाला फोम। अगर स्लीपवेल के अदर फोम देखे HR फोम, तो उसका जो रेट है वो हाई कॉस्टिंग वाले रेट है। तो होता क्या था, कस्टमर जो लोग जिसको सोफा बनवाना था वो स्लीपवेल लेने तो जाते थे, मगर जब स्टोर पे जाते थे उसका कॉस्टिंग सुनते थे तो लोग डाइवर्ट हो जाते थे अदर ब्रांड के अंदर, क्योंकि कॉस्टिंग वाइज स्लीपवेल थोड़ा महंगा पड़ता था। तो कंपनी ने क्या किया, ऑलमोस्ट कॉस्ट वाइज लोगों के बजट में आ जाए उस तरीके का फोम लॉन्च किया है। ये फोम जो स्लीपवेल प्रो सोफा है ये बजट वाला फोम कंपनी ने डिजाइन किया और मार्केट के अंदर लॉन्च किया, ताकि जो कस्टमर अदर ब्रांड के अंदर डाइवर्ट हो रहे थे HR फोम के नाम पे, तो वो कस्टमर है वो ज्यादा डाइवर्ट ना हो और स्लीपवेल का ही प्रोडक्ट परचेस करे। यही रीजन है जो मुझे लग रहा है कि यही रीजन है कि कंपनी ने ये वाला फोम मार्केट में लॉन्च किया है। दोस्तों अब देखते हैं इस फोम की क्वालिटी कैसी है, बाउंस क्या है, रेट क्या है। दोस्तों यह स्लीपवेल का प्रो सोफा फोम आप देख सकते हो, इस तरीके का फोम है। अगर फील देखे तो बाउंस बैक तो इसके अंदर मीडियम बाउंस बैक मिल रहा है, मगर ये सॉफ्ट वाला मुझे लग रहा है, सॉफ्टनेस के साथ बाउंस बैक है, जो कि अभी मार्केट के अंदर ये रिक्वायरमेंट है। देखिए इस तरीके का फील है। और कंपनी दोनों फोम के अंदर, इस फोम के अंदर 10 ईयर्स की वारंटी देते हैं। अब देखिए इसका बाउंस बैक कितना मिलता है, देखिए इतना बाउंस बैक है इसके अंदर। तो प्रो सोफा अगर देखे तो क्वालिटी वाइज कंपनी ने अच्छा बनाया हुआ है। अगर रेट वाइज देखे तो अगर 72x48 का ये वाला फोम आप 4 इंच थिकनेस के अंदर देखते हो, तो इसका जो रेट है, इसका जो MRP है ऑलमोस्ट 4,400 रुपीज के आसपास है। तो यही रेट रहेगा। इसके अंदर अगर थिकनेस ज्यादा कम होती है तो उसके हिसाब से रेट में चेंजेस आते हैं, मगर ये मैंने आपको इसका MRP बताया है। और कंपनी इसके अंदर 10 इयर्स की वारंटी देती है। जब आप सोफे का फोम परचेस करते हो तो इस तरीके के पैकेजिंग में आता है और इसके साथ एक वारंटी कार्ड निकलता है, इस तरीके का वारंटी कार्ड आता है। देखिए तो वारंटी कार्ड के अंदर डिस्क्राइब रहता है कि वारंटी किस तरीके से ये इसके अंदर मिलेगी, ऑलमोस्ट डेप्रिसिएशन लेस करके वारंटी काउंट करते हैं। और जब आप फोम की सीट परचेस करते हो तो यहाँ पे साइड में इस तरीके का बारकोड वाला ये QR वाला स्टिकर भी होगा, जिसके अंदर रेट वगैरह मेंशन हो गया। प्रो सोफा हो या प्रो सोफा लेटेक्स प्लस फोम हो, दोनों फोम के अंदर इस तरीके का जो वारंटी कार्ड वगैरह निकलता है ये फोम की सीट के अंदर से। अब देखते हैं लेटेक्स प्लस, ये जो स्लीपवेल का प्रो सोफा लेटेक्स प्लस फोम है, ये वैसे जैसे इसको हम वेट देखे तो इसका मुझे हैवी वेट लग रहा है फोम का। और इसका अगर फील देखे तो एक्सट्रीमली बाउंस बैक वाला और सॉफ्टनेस वाला फील बनाया हुआ है। देखिए इस तरीके का फील है, यहां पे रख के देखते हैं। इसका नाम लेटेक्स प्लस है, यानी कि जो लेटेक्स होता है, जो नेचुरल रबर आता है, उसके अंदर बाउंस बैक अच्छा मिलता है। तो लेटेक्स जैसा फील इसके अंदर मुझे लग रहा है,
तो ये वाला फोम है ऑलमोस्ट अगर मार्केट में देखे तो सबसे बढ़िया मुझे ये फोम लग रहा है, बेस्ट फोम कंपनी ने डिजाइन किया हुआ है। अगर इसका बाउंस बैक देखे तो आपको आइडिया आ जाएगा क्यों इसको लेटेक्स प्लस फोम कहते हैं। देखिए बाउंस बैक कितना मिलता है, देखिए इसके अंदर बाउंस बैक आपको दिखेगा ही डायरेक्टली, ज्यादा बाउंस बैक है। और इसके अंदर अगर देखे तो इतना ज्यादा बाउंस बैक नहीं है। तो दोनों की कंपैरिजन में देखे तो ये वाला फोम अगर देखे तो कॉस्ट वाइज कंपनी ने थोड़ा हाई रखा है। मैं कॉस्टिंग भी आपको इसका बताऊंगा, कॉस्ट वाइज तो हाई है मगर अगर क्वालिटी वाइज देखे और आजकल जो लोगों को चाहिए जिस तरीके का फील, यानी कि सॉफ्टनेस और बाउंस बैक दोनों फील आजकल लोगों को अपने सोफे के अंदर चाहिए, तो ये वर्थ रहेगा उन लोगों के लिए जिसको थोड़ा बजट ज्यादा है, जिसको थोड़ा ज्यादा पैसे स्पेंड करके अपना सोफा बनाना है, मतलब क्वालिटी बाउंस चाहिए, उन लोगों के लिए ये वाला फोम बेटर रहेगा। इसके अंदर भी कंपनी दोस्तों 10 इयर्स की वारंटी देती है, सेम इसके जैसा ही वारंटी कार्ड जब आप ये परचेस करते हो तो इसके अंदर से भी निकलता है। दोस्तों ये वाला जो स्लीपवेल प्रो सोफा लेटेक्स प्लस फोम है इस ये भी आपको 15 mm 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच 4 इंच और 5 इंच की थिकनेस में मिल जाएगा, मगर जो साइज है 72x48 और 72x36 ये दोनों साइज में ही आपको मिलेगा। थिकनेस आप सिलेक्ट कर सकते हो मगर साइज है वो दो ही रहेगी, क्योंकि इसको आप मैट्रेस में यूज ना करें यही कंपनी का वो रहता है कि भाई ये मैट्रेस में यूज ना हो, क्योंकि कंपनी ने स्पेशली ये डिजाइन किया हुआ है सोफे में यूज करने के लिए या तो फिर फर्नीचर कुशनिंग के कुशनिंग में यूज करने के लिए। दोस्तों अगर स्लीपवेल प्रो लेटेक्स प्लस फोम के रेट के बारे में बात करें तो अगर आप 72x48 का 4 इंच का फोम देखते हो तो इसका जो रेट है ऑलमोस्ट 13,300 रुपीज के आसपास इसका रेट रहेगा। कॉस्ट वाइज थोड़ा कॉस्टली लग सकता है मगर इसका फील जब मैं देख रहा हूं तो फील में ये कंपनी ने बेस्ट बनाया हुआ है। और दोनों फोम के अंदर कंपनी नीम फ्रेश टेक्नोलॉजी यूज करती है ताकि फोम के अंदर कभी भी फंगस बैक्टीरिया वगैरह ना हो, हेल्थ और हाइजीन वाइज सेफ रहे। दोस्तों ये जो मैं अभी आपको जो दिखा रहा हूं ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं अपना जो रिव्यू है वो जेन्युइन रिव्यू आपको दे रहा हूं कि जो मुझे लग रहा है। अगर आप अपने सोफे के अंदर इस तरीके का फोम यूज करना चाहते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये वाला जो लेटेक्स प्लस फोम है वो आप बेज में रखिए, बेज ऑफ सोफा यहाँ पे आप लेटेक्स फोम रखिए जहां पे आप रेगुलरली बैठना है हमें, और बाकी की जो साइड है यानी कि पीछे की साइड है, बैक ऑफ द साइड है, साइड के हैंडल वगैरह है वहां पे आप इस तरीके का ये प्रो सोफा फोम भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा वेट आने वाला नहीं है। तो बेज में जो फोम हम यूज करते हैं वही अगर रियलिटी में देखे तो वही हमारे लिए बेस्ट वो कंफर्टेबल रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बाउंस बैक और सॉफ्टनेस वाला फील चाहिए तो आपको ये वाला जो फोम है वो बेज में यूज करना चाहिए। अगर और कॉस्टिंग थोड़ा कम हो उस लिए आप बैक साइड के अंदर इस तरीके का फोम यूज कर सकते हो, मगर अगर आपको कॉस्टिंग वाइज कम ही बजट में बनाना है तो ही आप इस फोम को यहाँ पे बेज में यूज करें और बाकी की साइड में अदर फोम भी आप यूज कर सकते हो। अगर दोनों की कंपेयर में करूं दोनों फोम की तो ये वाला जो फोम है इसको मैं 10 out of 9 दूंगा और इसको मैं 10 out of 6 दूंगा, क्योंकि अगर कॉस्टिंग वाइज देखे तो दोनों का कॉस्टिंग में ज्यादा डिफरेंस भी है मगर ये क्वालिटी वाइज कंपनी ने बेस्ट बनाया हुआ है। दोस्तों इसके अंदर प्रो सोफा कुशंस भी मिलते हैं, उसका जो साइज है वो है 18x18 इंच का, 21x18 इंच, 22x21 इंच, 63x22 इंच, 63x24 इंच और 66x27 इंच। इसके अंदर अलग अलग थिकनेस अवेलेबल है, 3 इंच 4 इंच और 5 इंच की थिकनेस के अंदर ये मिलते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है ये वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया है स्लीपवेल के जो प्रो सोफा लेटेक्स फोम के बारे में तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई देंगे।